हेलो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की डेली की 20 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में सी टेट, पी टेट, एच टेट और REET, KVS, NVS, नेट, सेट बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, यदि एक सीखने का व्यवहारिक स्तर सीखने के उच्च स्तर को सुगम बनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? पार्श्व ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है वर्टिकल ट्रांसफ़र, आंसर इज़ बी। सेकंड क्वेश्चन, सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रचारित करता है, ए कैरियर वार्ता, कैरियर केंद्र, सम्मेलन या फिर उपयुक्त सभी? तो आंसर इज़ डी, उपयुक्त सभी, कैरियर वार्ता, कैरियर केंद्र, सम्मेलन और तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, उपयुक्त निर्देशों की विधि की सीमा रेखा का मामला है, आगमन का, ड्रिल का, पाठ्यपुस्तक का या फिर उपयुक्त सभी? आंसर इज़ डी, उपयुक्त सभी, आगमन, ड्रिल, पाठ्यपुस्तक, ये तीनों इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, ए निष्क्रियता, बी निराशा, सी गरीब सामाजिक समायोजन या फिर डी? आंसर इज़ उपयुक्त सभी, निष्क्रियता, निराशा और गरीब सामाजिक समायोजन, आंसर इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, खुले अंत वाली प्रश्नावली में वह सवाल होते हैं जिनमें लंबी और कथा प्रतिक्रियाएं, उत्तरदाताओं की ओर से मुक्त प्रतिक्रियाएं, सी तथ्यात्मक जानकारी या फिर डी इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी, उत्तरदाताओं की ओर से मुक्त प्रतिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, निम्न में से कौन सा आत्म शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है, ए क्रमादेशित अनुदेश, बी कंप्यूटर असिस्टेड निर्देश या लर्निंग, सी शिक्षण मशीन या फिर डी उपरोक्त सभी? आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हम शिक्षण में प्रतीकों का प्रयोग क्यों करते हैं, ऑप्शन ए इज वह मितव्य शिक्षण है, यह आसान शिक्षण है, सी यह व्यवस्थित शिक्षण है या फिर डी इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8, तो उसका आंसर है ए, यह मितव्य शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, भाषा में शब्द से पूर्व वाक्य को पढ़ना आवश्यक है, शिक्षण की यह कहावत किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट, हुल एस एक्सपेरिमेंट, सरल से जटिल सिद्धांत या फिर डी शिक्षण प्रौद्योगिकी के सिद्धांत? तो आंसर इज ए, गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 इज, निम्न में से कौन सा शिक्षण रणनीति में बल दिया जाता है, ए मनोविज्ञान के आवेदन, बी प्राकृतिक विज्ञान के आवेदन, सी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग या फिर डी इन उपरोक्त सभी? तो आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 इज, निम्न में से कौन सा रचनात्मक परियोजना का एक उदाहरण है, एक विषय पर निबंध लिखना, खेल के लिए मैदान तैयार करना, कार्य के लिए एक मॉडल तैयार करना या फिर डी उपरोक्त सभी? तो आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। अब फिर से आपके कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक दौरे स्कूल के छात्रों के लिए क्यों आवश्यक हैं, ए छात्र यात्रा से खुश हो जाएंगे, बी अध्ययन छात्रों के लिए बोझ नहीं होना चाहिए, सी छात्रों को प्रत्यक्ष संबंध संपर्क से स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा या फिर डी छात्र यात्रा का आनंद प्राप्त करेंगे? तो आंसर इज सी, छात्रों को प्रत्यक्ष संबंध से स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा।
क्वेश्चन नंबर टू इज, छात्रों को कैसे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए? ए, परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। बी, उन्हें उन प्रश्नों को हल करना चाहिए जो कि उपयोगी हों। सी, उन्हें परीक्षा के महत्व को बताना चाहिए और उनके अभ्यास में सहायता करनी चाहिए। या फिर डी, वह छात्र जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा करनी चाहिए। तो आंसर इज सी, उन्हें परीक्षा के महत्व को बताना चाहिए और उनके अभ्यास में सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, छात्रों को कविता किस प्रकार पढ़ाई जानी चाहिए? ए, कविता तुकबंदी करके। बी, सही संगीत की लय में। सी, कविता छात्रों को आनंद देती है। या फिर डी, कविता शब्दों को कविता को पढ़ाने के दौरान समझाया जाना चाहिए। आंसर इज डी, कठिन शब्दों को कविता के दौरान पढ़ाने के सॉरी कठिन शब्दों को कविता को पढ़ाने के दौरान समझाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर इज, कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, सराहना और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी, उन्हें पहली बेंच पर सीट दें। सी, कक्षा में उन छात्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। या फिर डी, कक्षा में उन छात्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आंसर इज ए, सराहना और उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, दो छात्र झगड़ा कर रहे हों तो आप क्या करेंगे? उन दोनों को पीटना चाहिए, धमकी देनी चाहिए और उन्हें अलग कर देना चाहिए, कारण पता करने की कोशिश करते हैं और अपराधी को सजा देनी चाहिए, या फिर डी, वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए। आंसर इस, कारण पता करने की कोशिश करते हैं और अपराधी को सजा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है नई रणनीतियों और शिक्षण की तकनीक विकसित करने में। बी, एक विशेष व्यवहार के कारण कारकों का अध्ययन। सी, नए सिद्धांत और सीखने के कानूनों के विकास के लिए निम्न पशुओं और मनुष्यों का प्रयोग करना चाहिए। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेवन इज, पहले मनोवैज्ञानिक जिसने मनुष्य की प्रकृति और आनुवंशिक प्रभाव की सीमा पर अध्ययन किया था। ए, ग्रेगर मेंडल। बी, गेल्टन। सी, लेमार्क। या फिर डी, डार्विन। आंसर इज बी, गेल्टन। क्वेश्चन नंबर एट इज, किशोर अवस्था की समस्या विशिष्ट होती है क्योंकि ए, परिवर्तन जो उनमें जगह लेते हैं। बी, भावात्मक बाधा। सी, भविष्य की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर होती हैं। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नाइन इज, निम्न में कौन सा बचपन के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ए, ध्यान की वृद्धि की अवधि। बी, पर्यावरण के अन्वेषण। सी, सभी ज्ञात अवधारणाओं की क्रिया करने की क्षमता। या फिर डी, अतीत वर्तमान और भविष्य में भेद करने की क्षमता। आंसर इज सभी ज्ञात अवधारणाओं की क्रिया करने की क्षमता, यानी सी। क्वेश्चन नंबर टेन, स्किनर और पावलोव की अवधारणा डैश डैश में अलग नहीं है। ए, सहज पुनः प्राप्ति। बी, विलुप्त होने। सी, प्रतिक्रिया सामान्यकरण। या फिर डी, ए और बी दोनों। आंसर इज प्रतिक्रिया सामान्यकरण, सी। तो आज की वीडियो में बस यही 20 क्वेश्चन है। हमारे साथ जुड़े रहिए डेली क्विज के लिए, जो कि आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप
कुछ भी पढ़े हुए को अपने आप उसका आपने जो पढ़ा है अगर आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसका मूल्यांकन नहीं करते, तो आपका थ्योरी वर्क पढ़ना बेकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड।